क्वेश्चन 5A कल के लिए ये सोशियोलॉजी पेपर HSC कॉन्सेप्ट मैप में ऐसा बेसिक बेसिक आएगा। पुरुषार्थ दिखा दें, वो भी दिखा दें, आपको चैप्टर दिखा दें। तो जी देख लीजिए, कोई बात कोई नहीं, आपको चैप्टर दिखा देते हैं जी। ये ले लो, पुरुषार्थ यहाँ पे है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म आपका काम करना, अर्थ मतलब, अब ये सब भी नहीं, हल्का से लिखो के चलेगा, लिख लेना चाहिए कि नहीं, कि अर्थ वेल्थ काम और मोक्ष, एक एक लाइन लिख दो, बस खत्म बात। आगे इधर चलो, नेक्स्ट चीज, मतलब ये चीज करके जाना। अब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ये किया, आगे पीछे पढ़ लिया करो। मैं टेक्निक किया है कि जैसे आपके ये पेज पे आ गए ना, पेज नंबर 3 पे आए हो, तो इसमें देख लो और क्या हुआ दिया है। जाति, प्यूरिटी, पॉपुलेशन, फिर इन्होंने ये दिया हुआ है वैदिक पीरियड, अल्पी अर्ली पीरियड था 1500 से 1500 से 1000, बाद में 1000 से 500 लेटर कहते हैं, ठीक है ना। पुराण धर्म कर्म की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, है ना। फिर ये वाला पैराग्राफ में क्या लिखा है कि ब्राह्मण सुप्रीमेसी महावीर गौतम बुद्ध के टाइम से हट गई। तो जैनिज्म का बहुत ओल्ड ये ओरिजिन है, 24वें तीर्थंकर थे महावीर, ओके, भगवान महावीर जी। जैनिज्म का बेस्ट है कर्म, वो भी कर्म अहिंसा और तप, ये बात है। तो ये मेन मेन पॉइंट, एक बार ये पेज जब हम यहाँ पे आए तो ये करेंगे, है ना। ऐसे थोड़ा पढ़ लिया करो, अर्ध मगधी भाषा में। मगध मतलब अयोध्या, मगध अवधि, मगध इज बिहार, सो सॉरी, अर्ध मगधी वहाँ की उस समय की भाषा थी, नाम ही था उसका। 16 सती, 16 वर्चुअस वीमेन, 5 द्रौपदी, कौशल्या, सीता, कुंती और दमयंती। तो हिंदुज्म जैनिज्म है तो एक ही एरिया का है ना, तो एक ही है। फिर उन्होंने बताया कि बुद्ध ने बताया 8 फोल्ड पाथ और नोबल ट्रूथ्स, ठीक है। उनका सीक्रेट है त्रिपिटक का, और वो पाली में है, हो गया। बस पक जाओ तो उतना से भी कम करो। अब आ जाओ पिलर्स ऑफ इस्लाम, मतलब ये पिक्चर दिखा रहे हैं, सवाल तो वही पूछ रहे हैं। अब आप पिलर ढूंढने जाओ इस्लाम का, भाई कहाँ है। जीविज्म पे आ गए, चर्च पे आ गए, भक्ति पे आए, ये इस्लाम ऊपर आ गया। देखते हैं कहाँ गया, किस पेज पे है, पेज वाइज का चक्कर है भाई, है ना। तो ये कहाँ है देख लो, इस तरह आपके साथ में, आपके हाथ में बुक होना हो, मैं यहाँ जरूर कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस्लाम के आ गया, मकताब। मकताब क्या है, एज ऑफ एजुकेशन। मकताब मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन, मदरसा मतलब हायर एजुकेशन, और हमेशा मॉस्क लिंक होता है। खानका मतलब एकदम थियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारे क्या थे पिलर्स ऑफ इस्लाम की बात चल रही है ना, तो पिलर्स ऑफ इस्लाम ढूंढ लो भाई कहाँ गया। ये देखो इसमें लिखा हुआ है कहाँ पे, देखते जाओ देखते जाओ। ये आप मान के चलो कि आपको कुछ नहीं आता है, तो भी आप ऐसे ही ढूंढ लोगे, है ना। राइट, आर्ट, मेडिवल, संगम, कहीं तो मिलेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षेत्र, वैश्य, शूद्र, ये क्या है, आश्रम व्यवस्था, अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, सब दिखा रहा हूँ मैं। कल्चर, ट्रांसपोर्ट, मेन मेन चीज़। ओवरव्यू करना एक तरीका होता है ना, राइट। ओवरव्यू करने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी, हमारी टाइप्स कौन सी है, फाइन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मैं मुझे तो बहाना मिल गया पूरा देखने का। कास्ट सिस्टम की बात चल रही है, अर्बनाइजेशन की बात चल रही है,
अर्बन स्प्रॉल आया था, देखो कल क्वेश्चन आया था ना, अर्बन स्प्रॉल याद रखना, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक, कितनी सारी भाषाएं भाई, रीजनल, कास्ट, क्लास, जेंडर। अजस्टेरियो, पता है क्या, एक कह रहा था कि क्रिश्चियनिटी में दुनिया में या बाकी धर्मों में दुनिया में कास्ट नहीं होता, यू नो, तो बोले इंडिया में वो भी हो जाता है। तो मतलब हर राज्य रिलीजन जो आया हुआ है वहाँ कास्ट बन गए हैं। इंडिया में कास्ट बहुत है, यहाँ के कास्ट कम्युनिटी आ गई, रिलीजन आ गया। यहाँ पे वो है कि वोट भी बैंक भी, वैसे हालांकि वैसे होता नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन नेता मानते हैं, नेता चाहते हैं कि वो अलग अलग हो जाए, राइट। तो आपने ये पूरा देख लिया, अब आपको समझ में आ गया कि पिलर्स ऑफ इस्लाम वही शुरू में ही है। बैक टू द मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे दे रहे हैं आपको स्टोरी, लंगर, सिखिज्म, यार वीडियो बोरिंग होता जा रहा है। संघ, ज़ोरास्ट्रियन, जीव, सब की बात चल रही होती है। और ये है पिलर्स, फाइव पिलर्स, शहादत, सलाह, ज़कात, हाजी, सभी। एक मिनट, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो फास्टिंग जो करते हैं ना, यस। तो ये पांच चीज़ें पिलर्स हैं। कितना टाइम लगा दिया मैंने, ये पूरी बुक का एक रिवीजन हो गया ना। कक्कड़ ऑफ सिखिज्म, वापस जाओ भाई। नहीं अब पता है ना सिखिज्म कहाँ है, इसके नीचे ही है भाई। तो अब सिखिज्म करने का बहाना आ गया, हर बार क्वेश्चन मिले ना तो मुझे एक रिवीजन चाहिए कर लो पूरे सेक्शन का, सिर्फ उस सेक्शन का। गुरु नानक जी 1469 से 1439, हाँ जी। अब आप देखिए कि वो कर्मों की बात करते हैं, 4K, कृपाण, कचेरा, केश, कड़ा और कंघा, कंघी, ये हो गया। लंगर एक उनकी ये होता है कि बस खाना खिलाते हैं, अपने जेब से पैसे देके वो खाना खिलाते हैं, ठीक है। ये उनका हाल हो गया। चलो नेक्स्ट, कास्ट, डैश 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 डैश, तीन डैश, चार डैश। अरे वही बताया था ना अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो था। आश्रम अवस्था, बाल आश्रम। तो आपको फिर दिखा देते हैं आश्रम, ये तो खाली तो बताया था ना मैंने, ये ब्राह्मण ठीक है, आश्रम अवस्था ये है बाबा, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास वाला। तो ये मतलब वानप्रस्थ बालाश्रम तो ये होता है 25 तक, गृहस्थ 25 से 50, 60, 60 कहते हैं वानप्रस्थ, मतलब आप छोड़ देते हो सब कुछ और फिर संन्यास आश्रम। तो इसमें देख लीजिए, मार्ग, मोक्ष, ए आठ, एट मार्ग, एट सॉरी अलग अलग मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और राज मार्ग एंड कर्म। तो ये हर रास्ते से आप
भगवान को पा सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आप, मैं कह रहा हूँ कि बार बार जब ये पढ़ने का तरीका है कि मैं सिर्फ इंडियन बैंक मान के नहीं चल रहा हूँ उसको, ट्राइबल रीजन्स ये लीजिए, ये तो मतलब पक्का क्वेश्चन है ना, तो पक्का क्वेश्चन, ये पक्का वाला है भाई, देख लो कहाँ गया ट्राइबल रीजन, फार्मर आ गया तब। इसमें ट्राइबल है, ट्राइबल यहाँ सेकंड में, सॉरी, ओके। सो ट्राइबल रीजन्स कौन से कौन से? अर्बन की बात कर ली मैंने, रूरल की बात चल रही है, ये लिखा हुआ है ना, बॉर्डर लेबर्स ये सब चल रहा है, ट्राइबल रिलीजन्स, रिलीजन, अभी तक रिलीजन, राइट। तो एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, टोटेमिज्म, मैनिज्म एंड नेचुरलिज्म। टर्म इंट्रोड्यूस्ड टेलर, मैरिट, फ्रेजर, मैरिट, मुलर, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ लो, एनिमल, एनिमिज्म, एनिमेट, इन एनिमेट, तो एनिमेट इन एनिमेट मतलब नॉन लिविंग बॉडी लाइक स्टोन एंड पत्थर, एनिमिज्म मतलब सोल और एंसेस्टर्स की पूजा करना, टोटेमिज्म मतलब ट्री या कोई एनिमल की पूजा करना कि वो हमारे पूर्वज थे, नेचर में नेचर आएगा कि एलिमेंट ऑफ नेचर, मेनिज्म में इट इज़ अ फोर्स विच मूव्स स्विफ्टली एंड एंटर्स ऑब्जेक्ट्स गिविंग देम पावर, ठीक है। तो ये हो गया तरीके, सिंपल रिलीजन है इनका, सिंपल सोसाइटी है, बहुत कुछ ट्रेडिशन नहीं होते, डिस्टिंक्टिव कल्चरल लैंग्वेज होता है इनका, एंडोगेम में ज़्यादा बाहर शादियाँ नहीं करते, ओके। सेंस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान है, हम ऐसे गारो खासी जयंतियाँ जानते ही हैं, जोग्राफिकली एक जगह रहते हैं, इकोनॉमिकल लाइफ इनकी बेस्ड होती है एग्रीकल्चर पे, लिटरेसी लो होती है, पुअर हेल्थ होता है। मैं करवा रहा हूँ एक साथ सुनोगे तभी हो जाएगा, है ना, कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक के लिए वो अपना एक खुद का मैनेजिंग कमेटी रहती है, बाहर बाहर ज़्यादा जाते नहीं, क्लैन, क्लैन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो किस खानदान से है, ऑल दैट ऑल दैट, राइट। एक्सोगेमियस एंड लीनेजेस, क्लैंस बहुत स्ट्रांग होता है उनका, वंश, वंश होते ना। इगैलिटेरियनिज्म मतलब हायरार्की नहीं होता, तो कास्ट सिस्टम नहीं होता, जेंडर बेस्ड इनइक्विटी नहीं होती है, कहीं कहीं चीफ होता है बट वो ये नहीं कि हाँ उसको जैसे हमारे देश में हो गया ये कास्ट बड़ा है छोटा है, वैसा कुछ नहीं है। ट्राइबल एक्सपोर्टेशन की बात अलग है, हम ज़्यादा एक पॉइंट पे एक ही चीज़ करनी है, थोड़ा सा हल्का यहाँ वहाँ चले गए आप, रिवीजन हो गया, चलो देखो रिवीजन पूरे बुक का करा रहा हूँ, तुमने सोचा होगा कि अरे ये दिखा के छोड़ दूंगा, हर वीडियो अलग रहेगा मेरा, लैंग्वेज फैमिली से लिंक है, लाजवाब चीज़ है, मतलब तुम पढ़ो तो ये चीज़ पढ़ोगे, तुम और क्या पढ़ोगे, हाँ तुम पढ़नी है तो ये चीज़ पढ़ो भाई, लैंग्वेज को देख रहे हम, ये हैंग हो रहा है भाई मेरा वीडियो, यही दिक्कत आई थी, यही 2 घंटे पहले वीडियो नहीं बना पाया था मैं, एरिया वाइज हिमालय, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न, साउथ, आउट और आइलैंड, 5 तरह के ये ट्राइब्स हैं, ठीक है ना, ये आ गया ट्राइब्स की बात। देखो हम नियरली सब कुछ ख़त्म करते जा रहे हैं, आपके लिए अच्छा वीडियो बनेगा ये, आपको ऐसा नहीं कि हम बस क्वेश्चन बता दिया छोड़ दिया कि ये ज़रूर आएगा, 12 नंबर चैप्टर 1 से कर लो आएगा, अरे भाई क्या पकाने छोड़ दो, अच्छे से करा दो ना एक साथ में, भला हो जाए किसी का, हेल्प हो जाए किसी को,
कहाँ गया यार? हम बात कर रहे थे रिलीजन की, ये लैंग्वेज की बात कर रहे थे, है ना? अर्बन में आ गए हम तो। यहाँ पे है लैंग्वेजेस। अब ये लैंग्वेज, एक तो इंडो आर्यन, वो हिंदी वाली फैमिली, एक द्रविड़ियन। अब द्रविड़ियन में ये मत बनना कि ये साउथ के, तेलुगु, ओके, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तुलु, ये सब। अब और भी है तीन, एंडमीज, एंडमनीज तो एंडमन के लोग बोलते हैं, सिंधो तिब्बत, किराटा। इसमें ना तिब्बती लैंग्वेज अलग होती है, तो वो थोड़ा सा अलग फर्क पड़ जाता है। फैले हुए हैं ये यूपी, आसाम, सिक्किम, पूरा वाइल्ड रेंज है इनका फैला हुआ। अच्छा, मुंडा। अब ये जो संथाली, ये जो है ना सेंट्रल, और सेंट्रल से थोड़ा नीचे जाइए आप, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ की भाषा है। तो इसमें खासी और एक एक वो हो गया ग्रुप्स, तो ये चार मुंडरी, संथाली हो, तो ये मुंडा मतलब ये एरिया वाइज नाम दिए हुए हैं। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रेलिया और एशियाटिक के जो भी द्वीप्स हैं जहाँ से लोग आए हुए इतने सालों से, वो चीज़ वहाँ की भाषा अलग अलग मिक्स होकर आई हुई है, और ये यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। ट्राइबल एरिया का ज़्यादा है इसमें, है ना? राइट। अब इसी में लैंग्वेज पॉलिसी की बात कर लेते हैं, मुझे वो वर्ड दिख गया। तो हर एक हम आसपास का हल्का चीज़ करते जाएंगे, फिल द ब्लैंक को ये मत समझिए कि बस कोई छोटी मोटी चीज़ है। लिंग्विस्टिक पैनल्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कोशिश की, और 21 फरवरी वो 14th वाला आता है ना अपना वैलेंटाइन, उसके एग्जैक्टली 6 दिन बाद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पहले से प्रायोरिटी दे रखी हुई है। ओके, लैंग्वेज हमारा प्लूरिस्टिक है, मदर टंग को यूज़ करने का दे देता है परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में। आप चेक पे नाम लिख सकते हो मराठी में, हिंदी में, लोग ये नहीं जानते, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, और आपको बैंक में ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, ठीक है? हाँ, तेलुगु तमिल में लिखोगे तो वो समझ नहीं पाएगा, तो वो ही रिक्वेस्ट करेगा सर चेंज करवा दीजिए, लेकिन वो नाम ही बोल सकता। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोई भी भाषा हो, आसामी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है? गवर्नमेंट ने लैंग्वेज ब्यूरो बनाया हुआ है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में आता है, ये याद रखना। मतलब लिखने वाला पॉइंट ये होता है, ठीक है ना? देखो करवा रहा हूँ तो मैं, मज़ा आ रही है ना? आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। बताओ यार कमेंट्स तो बताओ कैसा है ये जेंडर कैटेगरीज। देखो 9th क्वेश्चन ये है, 10th ये है। हाँ बस हो गया तुम्हारा, डेविड एबल्टा है। अब मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ यार, इसलिए मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। ये वाला चीज़ नेक्स्ट में कर देंगे, कर लो। चलो बाय, मज़ा आ रही है ना? कीप एंजॉय।